हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ऑल दोज हु हैव क्लियर देयर एग्जाम्स इन मई 2024। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां हो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। आपके माता पिता को भी बहुत ज्यादा बधाइयां हो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। और आज का दिन आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। आपको आज सिर्फ पार्टी करना है, बस और कुछ नहीं करना है। आज सिर्फ मजे करना है, आज जीवन के सारे बोझ को साइड में फेंक देना है। और आपको भी लग रहा होगा कि आज आप बहुत ही हल्के फील कर रहे होंगे, आपके जीवन में कोई बोझ ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई मगजमारी नहीं है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा आज। तो ये जीवन में घड़ी घड़ी नहीं आता है, बार बार नहीं आता है, तो इसको पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। सीए फाइनल के बारे में बाद में सोचिएगा, आर्टिकलशिप के बारे में बाद में सोचिएगा, आज सिर्फ और सिर्फ सीए इंटर के रिजल्ट के बारे में सोचिए। अपने आप पे गर्व फील कीजिए, अपने मां बाप को गर्व फील करवाइए और बस खुशी मनाइए, और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अनफॉर्चुनेटली उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अनफॉर्चुनेटली इस बार किसी कारण के वजह से अपना एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए मई 2024 का। देखिए, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, होते रहता है ये सीए के अंदर। 10 में से 8 बच्चे सीए में फेल ही होते हैं। तो अगर आप फेल हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो आपने कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया है, आपने वही किया जो मेजोरिटी बच्चे से हो रहा है, ठीक है। और अभी से नहीं हो रहा है, पिछले 75 सालों से हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप ज्यादा निराश ना होइए, ज्यादा हताश ना होइए। क्या करना है आपको, मैं एग्जैक्टली पूरा बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आएगा, सर अभी हम सितंबर में अटेम्प्ट दे या जनवरी में अटेम्प्ट दे। देखो, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो सितंबर में दे दो मेरे हिसाब से, और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो शायद दोनों ग्रुप का वापस से पढ़ाई करके वापस से दोनों ग्रुप सितंबर में देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आप एक ग्रुप अभी दे रहे हो तो एक ग्रुप अभी दे दो, एक जनवरी में दे देना। और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप एक साथ ही देना है आपका प्राथमिकता, तो फिर आप जनवरी में दोनों ग्रुप इकट्ठा दीजिए, ठीक है। और अगर एक ग्रुप देना है तो एक अभी दे दीजिए, एक जनवरी में दे दीजिएगा, ठीक है। तो सर, अगर हम अभी एग्जाम देंगे सितंबर में, तो क्या हमारे लिए इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट्स आए हैं क्या? देखो, अगर आप सितंबर में एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए इनकम टैक्स में कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है। जो मई 2024 की किताब थी बस वही फॉलो करो, और उसके साथ साथ याद करो एक अलग से अमेंडमेंट लेक्चर लिया था मैंने जो बाद में आया था, याद आता है, जिसमें वो ऑनलाइन गेम्स एक्सेट्रा के कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, बाद में लिया था उसका लेक्चर मैंने, तो वो कर लेना। उसका यूट्यूब पे लिंक है, आप यहां से देखो, उसका थंबनेल डाल रहा हूं यहां से, उसका टाइटल और थंबनेल देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। आप उसको डाउनलोड कर लेना या उसको आप अपने प्ले लिस्ट में ऐड कर लेना, उसको देख लेना एक बार वापस से। वो आपने मई 24 में भी जरूर देखा होगा, क्योंकि वो सेम अटेम्प्ट का अमेंडमेंट अभी सितंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। सर, जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं तो क्या होगा? जनवरी वालों के लिए अभी मुझे नहीं पता है, इंस्टीट्यूट ने कोई अलग से अमेंडमेंट नहीं लाया, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी वालों के लिए इंस्टीट्यूट शायद थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स लेकर आएगा, कुछ छोटे मोटे 2-4 पेज के सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा, ऐसा कुछ ला सकता है इंस्टीट्यूट, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है। सितंबर वालों के लिए तो क्लियर कर दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जनवरी वालों के लिए अभी तक क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। तो अगर सितंबर में एग्जाम दे रहे हो तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो पहले पढ़ रहे थे बस वही पढ़ना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस दौरान बीच में एक बजट आएगा अभी 22 या 23 जुलाई को, आप लोगों के लिए वो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, प्लीज आप उस बजट को पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो, आपके अटेम्प्ट के लिए वो बजट बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। वो मई 2025 से एप्लीकेबल होगा, मई 2025 पहला अटेम्प्ट होगा उस बजट के लिए। अब इस दौरान बहुत सारे बच्चे हमको कॉल करते हैं और बोलते हैं, सर हम तो कॉन्सेप्चुअली ही वीक है, सर हम तो जब सम सॉल्व करने जाते हैं तो हमारा हाथ ही नहीं चलता है, सर हमारा हाथ तो फ्रीज हो जाता है, सर अटक जाता है, जम जाता है, सर क्या करें हम जीवन में। तो देखो बेटा, अगर आपका हाथ नहीं चल रहा है एग्जाम के अंदर, जब आप पेपर पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है ये चैप्टर कौन सा है एक्सेट्रा, आपको क्वेश्चन भी समझ आ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहे हो आप, तो मतलब आप कॉन्सेप्चुअली बहुत वीक हो, ठीक है। इनकम टैक्स एक कॉन्सेप्चुअल पेपर है, जीएसटी एक कॉन्सेप्चुअल पेपर है, आप पहली बार पढ़ रहे हो सी एंटर में इनकम टैक्स और जीएसटी, इसलिए आपको इसको बहुत लॉजिकली पढ़ना है, इसको रटना नहीं है, सिर्फ इसको लॉजिकली पढ़ना है। अगर आप इसको लॉजिक से पढ़ोगे तो आप इसके अच्छे से अच्छा नंबर भी ला सकते हो। स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100 नंबर भी लाया है इनकम टैक्स और जीएसटी मिलाकर, बच्चे 90-95 भी लाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ हर बच्चा लाता है, लेकिन लाते हैं। अगर कुछ बच्चे ला सकते हैं तो बाकी बच्चे भी क्यों नहीं ला सकते, वो बच्चे जो ला रहे हैं वो भी आप में से ही है, कोई अलग से तो नहीं है कोई। देयरफॉर क्यों ला पाते वो, क्योंकि वो लोग ने कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझाया, जैसे हम लोग क्लास में समझते हैं। स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स में से हर दूसरा स्टूडेंट सीए इंटर के अंदर इनकम टैक्स जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशन लेकर आता है, आसानी से एग्जेम्पशन लाता है। हर दूसरा स्टूडेंट मुझे फोन करेगा, बोलेगा सर हमने देखो एग्जेम्पशन लेकर आ गया, 65 आ गया, 70 आ गया, 75 आ गया। इस अटेम्प्ट के अंदर भी, हर अटेम्प्ट के अंदर वही चल रहा है इस अटेम्प्ट के अंदर भी, क्योंकि हम फोकस करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडीज के ऊपर, सिर्फ रटा रटवाने वाला काम नहीं करते, समझाने वाला काम करते हैं, वही जरूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आप कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा वीक हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, लगभग 100 घंटे के आसपास है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है, अगर आप वो ज्वाइन कर लोगे तो उसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में कवर हो जाएंगे, साथ साथ में आईसीआई मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आईसीआई मटेरियल के अंदर है, एक भी। उसके अलावा पिछले 5 अटेम्प्ट के आरटीपीस एमटीपीस एग्जाम पेपर्स वो भी हम क्लास में ही कवर करवा देते हैं। तो इतना एक्सटेंसिव प्रैक्टिस जब करवाते हैं ना, जब बच्चा एग्जाम में जाकर पेपर खोलता है ना, तो उसको लगता है यार ये तो सेम क्वेश्चन है जो क्लास में किया था। और ये चीज हमेशा याद रखना, सेम क्वेश्चन देखने की जो खुशी होती है ना, वो जीवन में सबसे बड़ी खुशी होती है। स्कूल में भी कॉलेज में भी आपको याद होगा कि जो क्वेश्चन क्लास में करके गया था, घर पर करके गया था, अगर वो एग्जाम में रिपीट हो जाता है तो मजा आ जाता है, बल्ले बल्ले हो जाती है। तो हम सीए इंटर में उस लेवल पे सब्जेक्ट को लेकर आ जाते हैं, उतना आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको लगता है आप कॉन्सेप्चुअली वीक हो तो आप इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच के साथ जा सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी कुछ कैटेगरी बच्चों की ऐसी है जो बोलते हैं सर नहीं, कॉन्सेप्चुअली तो हम ठीक है, हमने आपसे पढ़ा था सर, तो कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है सर, आप तो कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर ही करते हो। और मैं अपनी बढ़ाई खुद से नहीं मारता हूं, अगर मैं अपनी बढ़ाई खुद से मारता हूं तो बच्चे आके नीचे नेगेटिव कमेंट कर देंगे, और मुझे कमेंट छुपाने की और कमेंट को डिलीट करने की आदत नहीं है, मैं जैसा है वैसे ही रन देता हूं, कमेंट को ना ही विदहोल्ड करता हूं ना होल्ड करता हूं, जब डालोगे वैसे ही दिखना शुरू हो जाता है, मैं उसको देखता भी नहीं हूं कभी, ठीक है। कि जो बच्चा जो पॉजिटिव बोल रहा है उसको भी अच्छे से लेता हूं, जो नेगेटिव बोलता है उसको ज्यादा अच्छे से लेता हूं, ताकि मुझे इंप्रूवमेंट करने का मौका मिले जीवन के अंदर। अब जो बच्चे को लग रहा है कि सर नहीं कॉन्सेप्ट चले तो हम आपसे पढ़े सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कॉन्सेप्ट में तो बहुत ही अच्छा है सब, लेकिन सर प्रैक्टिस थोड़ा क्वेश्चंस की हो नहीं पाई, पिछले टाइम में इतना कर नहीं पाया अच्छे से सॉल्व, या कहीं और भी आपने क्लासेस पढ़ाया, आपने कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ाया लेकिन आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं की, तो आप लोगों के लिए दूसरा बैच है, देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैच, जिसके अंदर सारे आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, साथ साथ में चैप्टर वाइज डिस्कस होंगे, साथ साथ में पास्ट आरटीपी 5-6 अटेम्प्ट के आरटीपी एग्जाम पेपर्स, 5-6 अटेम्प्ट के 4-5 मॉक टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें यहाँ पर भी डिस्कस होगी। जो जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच के अंदर क्वेश्चंस हमने करवाए वो सारे यहाँ पर भी कवर होंगे। सब फर्क क्या है ऐसा दोनों, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा फिर क्वेश्चन कराया जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों को सर्व करता है, उन लोगों के लिए है जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है लेकिन वो क्वेश्चन सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो ये बैच मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रेकमेंड करूंगा जिन लोगों का कॉन्सेप्ट बढ़िया है लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है, वो इस बैच के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिया। इसके अलावा बस इतना ही बोलना चाहता हूं, जो नहीं क्लियर हो पाए निराश ना हो, हताश ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। जो नहीं क्लियर हो पाए और बाद में क्लियर करके ऐसे झंडे गाड़े जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो नहीं क्लियर कर पाए तो उससे आप सीखो कि मैं क्यों नहीं क्लियर कर पाया, मुझसे क्या गलती हो गई, कहां पर मिस्टेक हो गई मुझसे, मैंने क्या क्या गलतियां की, वो गलती से सीखो, उसको सुधारो और अगले अटेम्प्ट में ज्यादा अच्छे नंबर से पास होने की कोशिश कीजिए। एम हाई कीजिए, लाइफ में एम ऊपर होना चाहिए, ये एम कीजिए कि लास्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जीवन अंत नहीं होता यहाँ पर, जीवन का अंत नहीं है एग्जाम पास नहीं होना, ठीक है। एग्जाम पास नहीं होना जीवन में आपको कुछ सिखाता है, इट्स ए लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, ये हमारे लिए एक लेसन है। तो अगले अटेम्प्ट में मैं और अच्छे से उठूंगा, अभी मैं गिरा हूं, मैं और ताकत के साथ उठूंगा और अगले अटेम्प्ट के अंदर मैं रैंक लेकर आऊंगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। इसके अलावा मेरा जो भी सपोर्ट है आप लोगों के लिए वो चलता रहेगा, जो मैंने मई 24 वालों के लिए जो जो किया, रिविजन वीडियोस एक्सेट्रा, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए भी कंटिन्यू रहेगी, रिविजन वीडियोस डाला मैंने उनके लिए, एमसीक्यू वीडियोस डाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप लोगों के लिए भी कंटिन्यू रहेगा अगर कुछ भी नई चीज आती है तो। वैसे तो अभी फिलहाल इतना कुछ नया आएगा नहीं, लेकिन अगर कुछ आता है जैसे नई आरटीपी आएगा, नई एमटीपीज आएंगे, कुछ और एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ऐड कर सकता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए भी कवर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सो ध्यान रखो सब लोग अपना, टेक केयर ऑल ऑफ यू, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई सवाल है, मुझसे कोई बात करना चाहता है तो आप, ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं जब भी अवेलेबल हूँ मैं आप लोगों से बात करने की जरूर कोशिश करूंगा, अगर बात नहीं तो कम से कम मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ चैट करने की कोशिश करूंगा कि आपकी दिक्कत क्या है, ठीक है। सो ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।